श्री चमकौर साहिब में दो गुटों के बीच हुई लड़ाई में एक युवक की मौत हो गई और पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों का तीन दिन का रिमांड हासिल किया है। श्री चमकौर साहिब के अधीन पड़ते गांव धोलरा के पुल के नजदीक दो गुटों के अधीन झगड़े के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गाँव बसी गुजरान निवासी धीरज कुमार 22 वर्ष में हुई है। पुलिस की तरफ से इस कत्ल संबंधी रात को श्री चमकौर साहिब सरकारी अस्पताल से कुछ युवकों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि जो कि जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल होने गए थे। आरोपी का रिश्ता पास के निहंग की एक डेयरी के साथ बताया जा रहा है। पता पंप पर से मुंडा साडा गया, इन्होंने खत्म करता। एक चौंते वाले बाबे का मुंडा, एक साडे पिंड का हरिजना का मुंडा, राजन नवा मुंडे का साडा तो भी जता हूँ हस्पताल। मैं दुकान पर पता लग्या तो हस्पताल आया। की थोड़ा की नाम? मेरा नाम सुखा जी। कुछ नहीं पता लग्या, आ मुंडे दो उरे बैठे हैं जिन्होंने मारिया, दो तिने अंदर बैठे हैं। जी साडा मुंडा तो यह तो पंप पर उरे काम करता। की थोड़ा? साडा मुंडा खत्म आई, डॉक्टर ने कहा कि ना बनो दसा गया भी खत्म आई। विरोधी पार्टी मेरे पिंड मुंडा हरिजना का जी, मुंडा चौंता चौंते वाले बाबे का, दो मुंडे होर आज नाल बैठे दामन आई चौंते वाले का। ठीक है जी, एक हो रहा मुंडा, एक बसी गुजरान राज। कोई प्रशासन नहीं आया जी, कोई अजे तक कोई गलबात नहीं। ये थाना चमकौर साहब विखे धौलरा पुल से दो ग्रुपां की आपस लड़ाई झगड़ा होया सीगा, जिहदे च एक मुंडे की मौत हुई है, धीरज कुमार वासी बसी गुजरा, जिहदे तीन बंदे गिरफ्तार किए ने, इनवैसटीगेशन जारी है। किन्ने दिन का रिमांड मिला? की है 3 दिन का पुलिस रिमांड मिलेगा।